अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहल और मेरे किचन यानी किचन बाय स्नेहल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ मसाला भिंडी की रेसिपी। इस मसालेदार भिंडी को बनाने में आपको बहुत ही कम समय लगेगा और घर में अवेलेबल एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट से हम इसे बनाएंगे। ना ही भिंडी को कट करने की ज़रूरत है बीच में से, ना ही इसमें मसाला भरने की ज़रूरत है। इसे हम एक ही कढ़ाई में बनाएंगे ताकि ज़्यादा बर्तन गंदे ना हो और उसे धोने की भी हमें झंझट ना करनी पड़े। और खाने में तो ये इतनी मज़ेदार बनती है ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो चलो, बहुत हो गई तारीफ इस भिंडी मसाला की, अब चलते हैं रेसिपी के तरफ। मसाला भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई गरम कर दी है। जैसे ही कढ़ाई गरम हो जाए इसमें हम डाल देंगे तेल। तो यहाँ पे मैंने तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया है क्योंकि हमें भिंडी को फ्राई करना है। और यहाँ पे मैंने भिंडी के इस तरह से लंबे टुकड़े कर लिए, तो यहाँ पे आप भिंडी के 2 या 3 टुकड़ों में इसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम भिंडी का इस्तेमाल किया है और इसे मैंने धो के अच्छी तरह से पोंछ के इस्तेमाल किया है। याद रहे कि भिंडी को फ्राई करते समय उसमें पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए, यहाँ पे ये सारी भिंडी डाल दी है मैंने। तो यहाँ पे भिंडी को हमें फ्राई कर लेना है और भिंडी को फ्राई करते समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 8 से 10 मिनट लगेगा फ्राई करने में। तो आप देख सकते हैं भिंडी का जो थोड़ा कलर है वो थोड़ा चेंज होने लगा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो भिंडी है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से फ्राई होके रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पे इसे निकाल ले एक प्लेट में। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने ये सारी भिंडियों को निकाल लिया है एक प्लेट में। तो अब चलते हैं हम सब्ज़ी बनाने की प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने सेम कढ़ाई ले ली है जिसमें ये बचा हुआ तेल है और वो गरम है, तो इसी में हम डाल देंगे जीरा। तो यहाँ पे मैंने 1/2 छोटा चम्मच जीरा का इस्तेमाल किया है। यहीं पे डाल देंगे 1/4 छोटे चम्मच हींग और यहाँ पे डाल देंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज को बारीक कट करके ले लिया है और ये प्याज हम इसमें डाल देंगे। प्याज को हमें मीडियम फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो हमें यहाँ पे प्याज को ट्रांसल्यूसेंट होने तक पकाना है। जैसे ही हमारे प्याज पक जाए इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे अदरक लहसुन का कच्चापन निकलने तक हमें इसे पका लेना है। तो 1/2 से 1 मिनट का समय लगेगा यहाँ पर अदरक लहसुन पकने में। तो जैसे ही हमारे अदरक लहसुन पक जाए इसमें हम डाल देंगे सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में सबसे पहले हमने डाल दी है 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहीं पे डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। यहीं पे हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और यहीं पे हम डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। तो यहाँ पे ये सारे सूखे मसाले डाल दिए मैंने। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 1/2 मिनट के लिए पका लेना है। जैसे ही ये मसाले पक जाए इसमें हम डाल देंगे टोमेटो प्यूरे। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर की प्यूरे बना के यूज़ किया है। तो इसे मैंने सिंपली मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है टोमेटो को और ये हम इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे टमाटर का कच्चापन निकलने तक हमें इसे पका लेना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, ये जो मसाले है वो पक चुके हैं अब अच्छी तरह से। टमाटर का भी कच्चापन निकल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक। तो यहाँ पे डाल दें स्वादानुसार नमक और यहीं पे डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, चीनी और नमक को मिक्स होने तक हमें यहाँ पे इसे मिक्स कर देना है अच्छी तरह से। तो अब ये चीनी और नमक हो चुकी है मिक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये फ्राई की हुई भिंडी डाल देंगे। तो यहाँ पर ये फ्राई की हुई भिंडी इसमें डाल दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो आपको इसे इस तरह से मिक्स करना है ताकि ये जो मसाला है ये भिंडी में अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो ये देखिए, ये मसाला और भिंडी बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स होके तैयार है। अब हम इसे ढक्कन रख के 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पे 3-4 मिनट का ही समय लगेगा हमारे भिंडी पकने में। तो 3-4 मिनट के बाद ये ढक्कन उठाया मैंने और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी भिंडी है वो बहुत ही अच्छी तरह से पक के तैयार हो चुकी है और दिखने में भी बहुत ही अच्छी दिख रही है। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर दें और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। तो यहाँ पे मैंने ये धनिया पत्ता डाल दिया है। मिक्स कर दें इसे अच्छी तरह से एक बार
तो ये देखिए धनिया पत्ता भी ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है इसमें। तो अब बारी आती है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने की यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1/4 छोटे चम्मच अमचूर का पाउडर। तो यहाँ पे अमचूर का पाउडर डालने से सब्जी का टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, साथ ही साथ जो आपकी भिंडी मसाला है वो बिल्कुल भी स्टिकी या चिपकी चिपकी नहीं बनेगी। तो अब चलते हैं इसके सर्विंग के प्रोसेस में। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे सर्व कर दिया है एक सर्विंग बाउल में। आप चाहे तो इसे रोटी, फुलका, पूरी, चपाती किसी के भी साथ सर्व करें। इसे बनाने में मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट का ही समय लगेगा और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है, ट्रस्ट मी। आप एक बार बस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और आपने अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खाते रहिए, खुश रहिए और सेफ रहिए।